खबर यमुनानगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रही है। वहीं मांगों को लेकर शुगर मिल यमुनानगर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता मनदीप रोड छप्पर से हमारे यमुनानगर के संवाददाता राजकुमार ने विस्तार से जानकारी ली कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सदन जी, आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं पहुंचा हूँ यमुनानगर के शुगर मिल कॉलोनी पर, जहाँ पर किसान भारतीय किसान यूनियन का एक जो प्रदर्शन है वो लगा है। आखिर क्यों हो रहा है प्रदर्शन, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि पहले तो वो उन किसानों को दिखाएगा जो कि जो गन्ने का यार्ड है, जहाँ पर गन्ने की जो ट्रालियां है वो वहां पर वजन लेती है, वजन उसका करके वो आगे मिल के अंदर भेजा जाता है। मैं इनको कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएंगे कि वो किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये लोग हैं जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका जो प्रदर्शन है सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए ये प्रदर्शन लगातार लिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को यह भी कहूंगा कि वो ट्रालियां भी गन्नों की दिखाएंगे कि किस तरह से जो गन्ने हैं किस तरीके से यहाँ ट्रक खड़े हैं, ट्रकों पे गन्ना लगा रहा है, और ये लाइन किस तरह से गन्ना जो है लाइन से खड़े हैं। और हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के मनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम जानते हैं कि आगे इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। मनदीप जी, सबसे पहले तो हमारा साधन न्यूज में आपका स्वागत है। मनदीप जी, ये बताइए कि जो आज आप ये हड़ताल कर रहे हैं किसान गन्ने को लेकर, गन्ने की मांग को लेकर, कीमत बढ़ाने के लिए, क्या आगे की रणनीति रहेगी और आपका आगे का क्या कदम रहेगा? देखिए, बीजेपी सरकार जब से सत्ते में आई है, इसने हर महंगाई जो महंगाई थी बहुत स्तरों पे आगे 7% महंगाई बढ़ा दी इस बीजेपी सरकार ने, तो उसको लेकर जो गन्ने का रेट 362 रुपए गन्ने का रेट हरियाणा के अंदर है, उससे किसान संतुष्ट नहीं है। हम भी गन्ना लगाते हैं, संतुष्ट नहीं है कि लागत ज्यादा आ रही है गन्ने पर, पैदावार बहुत कम हो चुकी है, खर्चा बढ़ गया, लेबर का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल जो घर घरेलू खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। उसको लेकर संकेतित के लिए संकेतित धरना 2 घंटे के लिए हमने घंटे बंद किए शुगर मिल यमुनानगर में, तो एक बड़ा निर्णय लेकर एक फैसला लेंगे जिसमें हरियाणा की जितनी 12 मिले हैं शुगर मिल मिले हैं उसको बंद किया जा सकता है। अगली रणनीति 10 तारीख को करनाल के अंदर एक महापंचायत करके एक बड़ा निर्णय लेकर एक सरकार की गल की फांस बनने वाली है, उसकी सिर्फ हम सरकार को बता रहे हैं। पहले भी हमने शिक्षा मंत्री के निवास पर 2 घंटे का प्रदर्शन था हमारा, आज शुगर मिल पर हम जता रहे हैं, किसानों को भी बता रहे हैं कि यहाँ पर धरना चल चुका है, उसको लेकर एक बड़ा निर्णय लेकर एक आंदोलन खड़े हुए। जैसे कि सरकार से आपकी मांग है कि 450 रुपए कीमत बढ़ाई जाए, यदि सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे के आप तक क्या कदम रहेगा? देखिए, हमारी प्रार्थना सरकार से क्योंकि किसानों की कीमत गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, 450 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम होना चाहिए क्योंकि लागत बहुत ज्यादा आई है। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती, एक पंचायत करके 10 तारीख को 10 जनवरी को महापंचायत होगी करनाल के अंदर नज मंडी में, वहां पर लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, वहां से ऐलान किया जाएगा जीती रोड जाम करना है या शुगर मिल जाम करनी है, छोटे बड़े रोड जाम करने हैं, वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। जैसा कि बीजेपी सरकार है अभी जो चल रही है, बीजेपी सरकार के जब तक ये सरकार बनी रही है, क्या इस बीच में किसानों के लिए समस्या बहुत ज्यादा खड़ी नहीं हुई? आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है किसानों के साथ नाइंसाफी का काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से 8 साल हो गए सरकार बीजेपी सरकार बने को, आप देख लो, अगर हम कह रहे हैं आप चीनी का रेट बढ़ा दो, 35 रुपए जो रेट है गन्ने का अपना चीनी का, उसको 40-45 रुपए कर दो, क्योंकि आप देखो जो गैस है वो 1000 का सिलेंडर जो 300 रुपए का मिलता था, बीजेपी सरकार में पेट्रोल कहाँ चले गया, खाद्य पदार्थ कहाँ चले गए, जो हमारी फेस्टिसाइड दवाइयां हैं जो खेत में डालते हैं वो का रेट कहाँ चले गए, बिल्कुल किसान संतुष्ट नहीं है 362 रुपए के रेट में, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 8 साल में सिर्फ 75 रुपए बढ़ाए हैं, जिससे पहले भी सरकारें रहे उन्होंने अच्छे रेट दिए हैं। तो साथियों, हमारी तो यही प्रार्थना है कि बीजेपी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाए, किसानों को खुशहाल करें। कोरोना काल की वजह से आज किसान जो है कहीं ना कहीं मजबूर भी हो गए, काफी पैसा भी नुकसान हुआ, व्यापार भी खत्म हुआ, क्या आपको लगता है कि किसानों का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल रहा होगा कि उनके व्यापार में या खेती में कहीं ना कहीं घटा हुआ होगा? बिल्कुल, कोरोना है, मैं नहीं मानता कोरोना है, कोरोना एक इंटरनेशनल फ्रॉड है,
हर इसमें कंट्रियों में आया, पर ये फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। क्योंकि कोरोना जब आंदोलन चला था, जब भी कोरोना था, वहां से मैं एक भी किसान की या एक भी मजदूर की वहां पर आंदोलन में मौत नहीं हुई है, कि इंटरनेशनल फ्रॉड था। जो वो परी लोग है उनको भी एक लॉस हुआ है कोरोना से, किसान को तो होना होना, क्योंकि जो मार्केट होती है वो किसान से उड़ती है। किसान के पास जब फसल का पैसा अच्छे रेट में जाएगी तो किसान अपने घर से बाहर निकलता है, वो सोचता है मैं ट्रैक्टर लूं या हैरो लूं, टिलर लूं या कुछ सामान मार्केट में खरीदना है। तो अगर किसान मार्केट में जाएगा तो मार्केट के जो वहां पर वो पारी है उनके पैसा आएगा उनके पास, तो साल तो होएगा वहां पर वो पारी लोग है। तो किसान मंदी में जाए तो मार्केट भी मंदी में जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज करनाल में दौरा भी है, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से अपना रोड शो कर रही है, लोगों जो पैदल यात्रा चला रही है, किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा या फायदा होगा आपको लगता है? नहीं, इसमें फायदे नुकसान की कोई बात नहीं है। जो ये आंदोलन चल रहा है, गण आंदोलन चल रहा है, ये विपक्ष का काम है, ना कि किसानों का। हमने विपक्ष है, विपक्ष मजबूती से नहीं आवाज उठा रहा है किसानों के, तो किसानों ने धक्का खाना पड़ रहा है। तो इसमें कोई मायने रखता है ये पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी? हम कोई मायने रखते हैं किसानों को उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों बातें आपके सामने रख दी है। और मैं अब आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो मेरे साथ आएंगे और मैं उनको दिखाऊंगा कि एक बैनर इन्होंने जो लगा रखा है उसके ऊपर एक बहुत साफ सुथरे अक्षरों में एक शब्द कहा गया है कि चढ़ूनी जिंदाबाद गन्ने, वहां चलते हैं, गन्ने का अभाव। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इन्होंने जो बैनर लगाया है इसके ऊपर जो नाम है, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे ये बैनर। इस बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद, गन्ने के भाव 450 प्रति क्विंटल करवाने की मांग को लेकर धरना 10 जनवरी सुबह 10 बजे किसान महापंचायत चलो करनाल, अनाज मंडी करनाल। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यदि सरकार इनकी मांग नहीं पूरा करती है तो आने वाली 10 जनवरी को ये करनाल में जो महापंचायत लगाई जाएगी उसमें इनका बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब ये भी देखना होगा कि किस सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा कर पाती है या नहीं। साधना न्यूज के लिए यमुनानगर से राजकुमार।